साहिब जिला पुलिस वालों नामी गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजू नूं गिरफ्तार करन दा दावा कीता है जो साल 2009 च कथित दोषी राजू ने साबका अकाली मंत्री तेजा सिंह ढिल्लों दे पुत्र दा कतल कीता सी। कथित दोषी राजू पहला ही 9 केसां विच इश्तेहारी मुजरिम है अते कथित दोषी विरुद्ध लुट्टां खूहां फिरौती अते अगवा वर्गे संगीन मामले दर्ज हन। CIA फतेहगढ़ ने जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राजकुमार उर्फ राजू ये गैंगस्टर है चैला वाली मानसा का रहने वाला इसको काबू किया है और इसके ऊपर काफ़ी सारे संगीन अपराध इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं जिसमें एक कत्ल का मुकदमा भी है और ये कत्ल जो है पूर्व मिनिस्टर तेजा सिंह ढिल्लों के बेटे संदीप ढिल्लों उर्फ बॉबी ढिल्लों का था जो उसने एक जमीनी विवाद के चलते हुए उसका मर्डर कर दिया था 2009 के अंदर। बाद में ये पैरोल से भाग गया था 2012 में। बाद में ये एक NDPS केस में पकड़ा गया और जब होशियारपुर से इसको मानसा में पेशी के लिए लाए थे तो वहाँ से ये पुलिस पार्टी को पुलिस कस्टडी से मतलब चकमा देकर पुलिस पार्टी को भाग गया। उसके बाद से ये फरार था और कई सारे केसेस में लगभग 9 केस में ये PO है। इस पुलिस कस्टडी से जब ये चकमा देकर भागा उसके बाद इसने कई बड़ी सारी वारदातें करी हैं जिसमें इसने गन पॉइंट पे व्हीकल स्नैचिंग करना और किडनैपिंग करना रैनसम डिमांड करना साथ ही जो है कई गन पॉइंट पे जो है कैश स्नैच करना इस तरह की कई सारी इसने बड़ी वारदातें की हैं। सो इसको आज अरेस्ट करके एक बड़ा काम CI इंचार्ज फतेहगढ़ ने किया। मंडी गोविंदगढ़ तो भूपिंदर सिंह ढिल्लों की रिपोर्ट चैनल 2।